So, जो हमारे पास है, हमने उसकी होस्टिंग करनी है सो अक्विजन पॉइंट को देख लेते हैं है, पब्लिशिंग है, कर, लिया, कर लिया, अब हमने वीपीएस सर्वर एक डेडिकेटेड समझ वर्चुअल मशीन हमने ले ली है और उसके ऊपर किसी और की वेबसाइट नहीं सिर्फ हमारी वेबसाइट है मगर अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स आपकी जिम्मेदारी है किसी और की जिम्मेदारी नहीं है ठीक है हम उसे एक्सेस करेंगे प्रिपेयर करेंगे और फिर हम अपना A record जो करेंगे। मगर उससे पहले एक काम छोटा सा करके देख लेते हैं कि क्या हमारी आई की जो है, वो चल भी रही है या नहीं आई अप एंड रनिंग है जिस तरह इसको क्लिक करते हैं तो वो, आ, मुझे उर्दू आई टी की ओरिजिनल वेबसाइट पे ले जाता है एच लिंक लगाया हुआ लाइक रेफर्ड लिंक जिसे हम कहते हैं राइट वर्ड हाइपर लिंक सॉरी ठीक है और ये एक छोटा सा टूल है वेब एनालाइजर इससे मुझे पता चल जाता है कि यार ये मेरी वेबसाइट के ऊपर जो सा है क्या क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है ये 100 क्लियर इंफॉर्मेश नहीं देता मेरे ख्याल में इसके पास अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है ये मुझे दिखा रहा है ठीक है ये अपाची का सर्वर है और बूट स्ट्रैप सॉर्ट ऑफ यू आई फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हुआ हुआ है ठीक है अच्छा चलते हैं अब हम अगली स्लाइड की तरफ तो नाउ वी ओन उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव और हमारा अब आई पी एड्रेस आप देखेंगे चेंज हो गया ठीक है और डोमेन पॉइंटिंग नीड टू तो बी डूइंग क्योंकि अभी तक हमारी जो डेम डोमेन पॉइंटिंग थी वो कहाँ हो रही थी हमारी शेयर्ड होस्टिंग की तरफ हो रही थी अब हमने क्या करना है एक वीपीएस का सर्वर जो हमने लिया है उसको सेटअप करना है उसको रेडी करना है और उसको उसकी तरफ पॉइंट भी करना है ठीक है डोमेन नेम रेकर्ड पॉइंट करना है ठीक है और आगे चलें अगर हम क्विकली तो अगर मैं अपने वीपीएस होस्टिंग के अंदर जाता हूं ना तो मैंने वहां पे जहां पे वी पी एस होस्टिंग है वहां पे ये लिंक आ रहा था ये स्क्रीन आ रही थी कि कन्फिगर यूर सर्वर और उसने पूछा सर्वर का नाम क्या रखना है मैंने कहा उर्दू आई टी अकेडमी लाइव रख दो इस इट हैज नथिंग टू डू इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका सर्वर का डोमेन नेम क्या है ठीक है मैंने उसका सिर्फ सर्वर का नाम रख दिया क्योंकि आपके पास मल्टीपल सर्वर हैं तो आप उनका मल्टीपल नाम रख सकते हो उसने पूछा कौन से डेटा सेंटर में रखना है तो मेरे लिए आइडिया था कि मेरी ऑडियंस एशिया में है तो आई वुड पुट इट इन एशिया ठीक है और ऑपरेटिंग सिस्टम

अब सर्वर मैनेज करने के लिए या वीपीएस चलाने के लिए अगर आप मेरी तरह नूब हो यानी आई एम नॉट अ लिनिक्स एक्सपर्ट हम यहां पे लिनिक्स का काम करेंगे बहुत सारा आप ये ना कंसिडर करेंगे आएम अ लिनिक्स एक्सपर्ट तो आप अपने तौर पर जो है अगर आपको लिनिक्स पता है तो यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हेयर कि मैं नॉर्मली पटी यूज करता हूं फॉर एस एस एच के लिए यानी एस एस एच के लिए आपने पटी यूज करना क्योंकि आपने पीछे स्लाइड में यूजर ने पासवर्ड दिया आप लिनिक्स को ऐसे एक्सेस करेंगे और अब मेरी लिनिक्स इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे फाइल कॉपी पेस्ट और मेनूअर अराउंड करने के लिए मैं विन एस सी पी यूज़ करता हूँ और मैं बहुत सारे डेवलपर्स को जानता हूँ जो विन एस सी पी यूज़ करते हैं एंड गूगल इज योर फ्रेंड क्योंकि बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं जो आपको गूगल करनी पड़ेंगी ठीक है अच्छा ंग ऑफ लिनिक्स सर्वर अब आप समझिए आपको क्लाउड में एक लिनिक्स का सर्वर दे दिया है। आ, आ, उसने गोड एडी से हमने बाय की है वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है आपने उस सर्वर को एक्सेस करना है अपडेट अ सॉफ्टवेयर वर्जन उसके अंदर जितने सॉफ्टवेयर पड़े उन्हें अपडेट करना है अच्छा ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी होती है बींग सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या जो कि लिनिक्स का सर्वर है सूडो यम अपडेट आपने करना होता है सूडो यम अपडेट का मतलब है सूडो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट लेके यम और अपडेट ठीक है उसके बाद हमने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट अपाची करना है वेरीफाई अपाची सर्विसेज है और कन्फिगर फायरवॉल रूल नॉर्मली जब आप अपाची कन्फिगर करते हो तो वो आपके फायरवॉल लिनिक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट तमाम कम्युनिकेशन ब्लॉक होती है तो आपको वो बाय डिफॉल्ट रूल बना देता है और उसके बाद वर्चुअल होस्टिंग ये ऑप्शनल है ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास एक बॉक्स है और आप उस बॉक्स के ऊपर सिर्फ एक वेबसाइट ही रखना चाहते हो आप मल्टीपल वेबसाइट्स रखना चाहते हो तो अपाची इंस्टॉल करके आप एक वर्चुअल कॉन्फ्रिक के अंदर सेटिंग करना शुरू कर देते हो कि मेरे पास ये 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 वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं ठीक है सिर्फ एग्जाम्पल उर्दू आई टी अकेडमी उर्दू इस्लाम अकेडमी उर्दू अकेडमी डॉट लाइव उर्दू उर्दू डॉट अकेडमी और चार पाँच तो जब उसकी ट्रैफिक आपके पास आती है तो आपकी अपाची का सर्वर कहता है हाँ मेरे पास ये तमाम होस्ट पड़े हुए हैं ठीक है हम नहीं करेंगे ये मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन 2.0 में चले जाता है अगर आप लिनिक्स पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं लिनिक्स के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए ये लाजमी तौर पे पढ़ाया जाता है या नहीं तो आ, उसको देखेंगे ठीक है अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे सर्वर का आई एड्रेस क्या है ये मेरा पुराने सर्वर का आई एड्रेस है मेरे ख्याल में तो लेट्स क्विकली गो इन टू प्रोडक्ट्स तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स में जाऊं तो एज यूजल मेरे पास जोन है वेब होस्टिंग आ रही है ठीक है ये C -panel के जरिए जो वेब होस्टिंग मुझे मिली हुई है हमने देखी थी पिछले लेक्चर में अब हम वीपीसी की तरफ जा रहे हैं ठीक है वीपीएस की तरफ जा रहे हैं वीपीसी में इंटरचेंजेबली यूज कर लेता हूं गलती से गलती है ये इंटरचेंजेबली यूज नहीं होना चाहिए ठीक है तो अच्छा अब है ये कि हमारे पास ये मैनेज का बटन दबाए तो आपको ये सर्वर मैनेजमेंट इंटरफेस पे ले जाता है जहाँ पे आप अपने सर्वर के साथ आपको दिखाता है दो सी पी कोर्स हैं आपके पास 0.72 पॉइंट की रैम है डिस्क स्पेस आपके पास 100 जी है आप दो जी यूज़ कर रहे हैं और ये बता रहा है कि 3 जनवरी को ये सर्वर uh, अपडेट हुआ और ये सर्वर का आईपी एड्रेस है वन और आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सेंट से एशिया में इंस्टॉल हो आप सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं रीस्टार्ट रीबिल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको लगे यार आपने सारा मैसअप कर दिया आप रीबिल्ड कर सकते हो हिस्ट्री एस एम टी पी रिले हम नहीं डिस्कस कर रहे यहाँ पे क्योंकि हम लोग एस एम टी पी वाली हेडिक से निकल के हम गूगल के पास जाएंगे और गूगल को कहेंगे भैया तुम हमारी जो मेल सर्विसेज को होस्ट करो ठीक है तो ये ये मेन कौनसल है इससे ज्यादा आपके पास इधर कुछ नहीं मिलता ठीक है तो हम क्या करेंगे हम ये हमारा लिनिक्स का जो सर्वर है इसमें लॉग हो जाएंगे अब लिनिक्स में सर्वर में लॉगिन होना को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है आ, न्यू सेशन और ये आपका जो सा है VPS, अगर मैं इसको लोड करूं तो ये आपका आईपी ऑलरेडी आप आप एंटर, तो एंटर, इस, इस एंटर हुआ हूं। उसकी वजह मैंने कहा कोशिश करूं आपके पास जो सा है फॉन्ट बड़ा हो तो ये फोट थोड़ा सा बड़ा है ताकि रिकॉर्डिंग स्क्रीन में बिल्कुल क्लियर आ रहा हो आप लोगों के पास तो अच्छा कुछ है मगर अगेन वार्निंग आई एम नॉट लिनिक्स एक्सपर्ट ठीक है यहां लिख रहा हूं मैं ठीक है अच्छा अब सो अब अ, कुछ कमांड है जो मुझे पता है मैंने मैंने करके देखी W दबाए तो ये आपको बताता है कि आप कौन सा यूजर हो आप लॉग इन हुए हुए हो और आपको लॉग इन हुए ये सर्वर को अप हुए हुए पाँच दिन और इतना इतना टाइम हो गया ठीक है इसी तरह आप एक और कमांड दे सकते हो अप टाइम अप टाइम का मतलब है कि ये इस सर्वर को अप हुए हुए कितना टाइम हो गया एक एक और अप टाइम हाइफन पी होता होता था मेरे ख्याल में हाइफन हाइफन पी पी थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में दे देता है डेज आवर मिनट तो तीन जनवरी को जो मैंने किया था उसके बाद से मैंने सर्वर रीसेट नहीं किया मैंने इसमें कुछ काम नहीं किया ठीक है अच्छा अब उसके अलावा आप, आप कुछ चेकिंग कर सकते हैं चेकिंग से फॉर एग्जाम्पल डी एफ माइनस एच ठीक है ये आपको हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है ठीक है अगर आप इधर देखें तो ये आपको बता रहा है आपके पास हंड्रेड जी की हार्ड ड्राइव अवेलेबल है और हमारे पास तकरीबन हंड्रेड जी की हार्ड ड्राइव उसने हमें दी हुई है ठीक है इसके अंदर एक और प्रोसेस है आ, उसको कहते हैं एच टॉप ठीक है एच टॉप आपके पास नॉर्मली नहीं होगा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसकी वजह क्या है ये मैंने इंस्टॉल किया है सिर्फ ये वह चीज़ है जो मैंने सर्वर पे इंस्टॉल की थी अगर आपने एच टॉप इंस्टॉल नहीं किया तो ये टॉप है ये टॉप थोड़ा सा पुराने किस्म का है मुझे जौन है इससे बाहर भी मुझे नहीं निकलना आता F10 तो नहीं है कंट्रोल C होगा ठीक है Htop टॉप आपने इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपको पता चलता रहे आपके सर्वर की यूटिलाइजेशन क्या है और हेल्दी है आपने वो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है सिंपल सूडो um, मेरे ख्याल में यम इंस्टॉल एच टॉप ठीक है ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा और एच टॉप जो उनसा है वो आपको लाइक थोड़ा सा कलरफुल दे रहा है ठीक है और टास्क 21 टास्क आपके पास चल रहे हैं सर्वर का अप टाइम है ये मेमोरी यूटिलाइजेशन है स्वाप स्टोरेज और वन एंड टू वट एवर दो थिंग्स आर ठीक है मैंने बताया मैं लिनिक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ ठीक है और एफ टेन दबाएँगे तो इससे बाहर आ जाते हैं अच्छा उसके बाद यम अपडेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूडो यम अपडेट अपडेट मेरे ख्याल में हाँ सूडो यम अपडेट और ये क्या करेगा कि जाके चेक करेगा कि आपके पास लिनिक्स की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इंस्टॉल हुई हुई है मगर उसको अपडेट करने की ज़रूरत है ट्राई टू कीप योर सिस्टम वेरी वेरी अप टू डेट ओके okay? और ये इस टाइम वेरीफाई कर रहा है डिफरेंट रिपोजिटरी से ठीक है आ, टोटल डाउनलोड इज़ हंड्रेड एंड ट्वेंटी एम बी डू यू वॉन्ट टू अलाउ इट और नॉट ओके मैं इस टाइम एन कर रहा हूँ कि एक सौ बीस एम बी जो है लेट्स डू इट ओके मैं मेरे अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जो सा है अपने लेक्चर को पॉज कर लूंगा अगर ये ज़्यादा देर लगा रहा है मगर नहीं मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज़ ब्रिलियंट ठीक है और ये इसने कोई सेंट ओएस की कोई रिलीज या लेटेस्ट अपडेट है जिलिप की लाइब्रेरी है और जो भी चीज़ें हैं ठीक है तो ये तकरीबन इक्यासी चीज़ें इसने ढूंढी हैं जिन्हें इसने अपडेट करना है और ये इस टाइम अपडेट कर रहा है ठीक है मैं इस टाइम मेरे ख्याल में बातें कंप्लीट हो गई हैं और अब हमने अगला स्टेप ये कर रहा है कि हमने जोन सा है एच की सर्विसेज uh, ठीक है जिसे हम अपाची कहते हैं वो इंस्टॉल करना है अपाची की सर्विसेज को एच डी कहते हैं अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं हाउ टू सेटअप योर ओन वेब सर्विसेज ठीक है आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास से भी मिलता है आपको गोडाडी की भी अपनी वेबसाइट है और डिफरेंट uh, 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 जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो सब हेल्प करते हैं आपको और अगर कहीं आप फंस जाते हैं ना तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर आपको किसी वेब वेब पेज की तरफ रेफर कर देता है उसकी वजह यह कि आप पहले पर्सन नहीं है जो इनके पास से ये हेल्प मांग रहे आर लॉट ऑफ पीपल दैट हैव दिस टाइप ऑफ सर्विसेज ठीक है एनीवे anyway, वे मेरी बातें कंप्लीट होगी और इसी दौरान मेरे ख्याल में लग रहा है कि यह सर्विसेज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं ठीक है आई गिव इट कपल ऑफ मैं जरा वीडियो पॉज कर लू अच्छा जी वेलकम बैक तो इसने मेरे ख्याल में एक या दो मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं और मेरी ऑलमोस्ट ऑल सर्विसजन सी हैं तकरीबन अपडेट हो गई है उसने वेरीफाई किया है इंस्टॉल किया है कोई कर्नल भी अपडेट हुआ है और ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया अच्छा अब सबसे पहला काम जो मैंने करना है उस इस इस प्रोसेस के अंदर वो ये कि एच जो अपाची सर्विसज हम वो इंस्टॉल करनी है तो मैं सूडो आ भाई सूडो यम इंस्टॉल एच टी ठीक है और ये एच की जो सर्विसेज है उसको इंस्टॉल करने का बता रहा है टोटल डाउनलोड पूछ रहा है और इंस्टॉलेशन uh, ठीक है हम वाई दबा देंगे और एंटर कर देंगे ठीक है जितनी दौरान ये इसने इंस्टॉल कर दी वाला इसने इंस्टॉल कर दिया है अच्छा जब ये इंस्टॉल हो गया है ना तो अब हमें ना थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा इसके लिए मुझे ना विन एस लोड कर लेने दें दो मिनट मुझे दे ज़रा आप इतनी देर जाके चाय का कप बना के आएँ अच्छा जी विन एस के अंदर हम लोग लॉग हो गए हैं आपने कुछ इतना कोई खास काम नहीं करना था काशिफ को क्लिक करके अपने सर्वर का आईपी एड्रेस देना है और काशिफ और लॉगिन करना है तो अगर आप अभी किसी के पास ब्रूट फोर्सिंग टूल है तो ही कैन वेरी इजीली फाइंड आउट अबाउट माय आईपी एड्रेस और इस सर्वर को ब्रूट फोर्स कर सकता है बट एनीवे सिक्योरिटी या साइड तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं अगर आप लोगों को बहुत सारे फोल्डर्स का पता नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अच्छा तो नॉर्मली अगर बेसिक बेसिक जितना मुझे पता है कि आपके पास यहाँ वॉर में डब्ल्यू का फोल्डर है और यहाँ पे एच का फोल्डर है यहाँ पर आपने अपनी जो सी है वेबसाइट को होस्ट करना होता है अगर आप अगर मैं देखता हूँ कि अगर मुझे ये रूट पे ले जाता है तो ये रूट में आपके पास काफ़ी सारे फोल्डर्स पड़े हुए लाइक ई के अंदर नॉर्मली आपकी इंस्टॉलेशन की डायरेक्ट्रीज पड़ी हुई होती हैं आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू ट्राई टू फिडल विद दम ठीक है अच्छा और क्या पड़ा होता है और आपके पास वार के अंदर एक चीज पड़ी होती है लॉग लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास बहुत सारी लॉग की इंफॉर्मेशन है यानी बूट लॉगिंग की इंफॉर्मेशन है क्रॉन जॉब्स जो आपके पास पड़ी हुई हैं इसी तरह एक सिक्योरिटी लॉग्स है अगर मैं ये सिक्योरिटी लॉग की फोल्डर खोल के देखूँ रिट्राई करके देखते हैं अच्छा ये मेरे ख्याल में न आ, सूडो करके खोलना पड़ेगा अब ये कैसे खुलेगा ये मुझे नहीं पता अच्छा वी वुड कम बैक टू दैट ठीक है ये हम लोग खोलने देता है नहीं खोलने देता अच्छा उसको इसको हम किसी और तरीके से खोल लेंगे ठीक है इसी तरह इंस्टॉलेशन और ये बाकी सारी डायरेक्टरीज हैं ये मेरे ख्याल में सुडो करनी पड़ेगी मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से खोलना आता है यहां से खोलना नहीं आता है इसको ठीक है अच्छा इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है इसके बाद हम लोगों ने जो सा है एक ही काम करना है कि अपनी जो वेबसाइट है ठीक है उसकी अब होस्टिंग करनी है ठीक है और होस्टिंग करने के लिए अगर आपको याद हो कि मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है जहां से मैंने ये डेटा uh, उठा के अपने एस के फोल्डर में रखना है और हमारी जो सी है वेब सर्विसेज काम करना शुरू कर देंगी तो मैं जरा वो फोल्डर जो सा एक्सट्रैक्ट करके इसको अपलोड करता हूं और हमने वो कहां पे करना है वार डब्ल्यू के फोल्डर के अंदर यहां पर ठीक है अच्छा जी इस फोल्डर को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने पास वेलकम uh, पेज को ये वही पेज है जो हम लोगों ने पहले uh, शेड होस्टिंग पे डाला हुआ है और जिसपे जब हम जा रहे हैं अभी तो ये यह यहीं पर है तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे हम लोग ना ठीक है Uh, किधर गया भैया मेरा वेब होस्टिंग ये ठीक है और इन फोल्डर्स को मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करना होता है पेस्ट करने है देता है? ये पेस्ट है ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू की तमाम एक्सेस डिनाइड ओके ओके हमें थोड़ी सी परमिशन इश्यू आ रहा है तो मुझे जरा पास कर दे मुझे पता है कहाँ परमिशन इशू है कि उसने वो डब्ल्यू डब्ल्यू की फोल्डर परमिशन नहीं दी हुई अच्छा जी रिज्यूम कर रहा हूँ और आई होप यहाँ से रिज्यूम दोबारा हो जाए अच्छा जनाबे वाला मैंने पीछे बहुत सारे काम किए अच्छा हुआ ये कि जो मेरा अकाउंट है उसको रूट परमिशन नहीं मिली हुई थी फॉर एनी वियर रीजन तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ी और मुझे जो सी है उनकी टैग से भी बात करनी पड़ी एंड दैट टैक वाज नॉट वेरी यूजफुल तो मुझे उसे एक्सप्लेन करना पड़ा मुझे लग रहा मुझे लिनिक्स उससे ज़्यादा आ रही थी एनीवे सो द प्रॉब्लम फॉर द सॉल्यूशन इज के मेरे पास वो जो फोल्डर था ये जो फोल्डर था एस टी एम एल का इस परमिशन नहीं थी ठीक है तो परमिशन हासिल करने के लिए मैंने क्या किया कि ये देखो काशिफ के अकाउंट को परमिशन नहीं थी तो मैंने एक यूजर अकाउंट बना लिया ठीक है आप यूजर अकाउंट भी बना सकते हो या फिर उसके बाद मैंने क्या किया मैंने सी एच मोड सेवन 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 एच टी एम एल ठीक है ये सेवन 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 वार एच टी एम एल कर दिया और इस सेवेंटी सेवन 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 तीन दफा और दिस इज नॉट वेरी सेफ परमिशन मैं अभी यहीं पर आपको बता रहा हूं जिस तरह ही आप ये करते हैं ठीक है ये देखें तो आपकी ये हर बंदे को जो सा है इन फाइल्स के ऊपर परमिशंस हो जाती हैं फुल रीड एंड राइट विच इज नॉट वेरी वेरी सेफ ठीक है ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं और उसके बाद मैंने क्या किया इंडेक्स डॉट एस टी एम एल और बाकी फाइल्स को उठाया और इधर कॉपी कर दिया अच्छा ये इसकी वजह ये है कि ये ऑनर नहीं है एक सेकेंड तो मैंने एक यूजर अकाउंट बनाया वेब के नाम पर उस, उसको ये परमिशन दी ठीक है एक यूजर बनाया वेब के नाम पर और एस टी एम एल को डब्ल्यू 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 दी और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर दिया अगर मैं इसको ये यहाँ पर कॉपी करूँ और ये मुझे कॉपी करने की परमिशन दे रहा है ठीक है क्योंकि ये तीन दिफ, दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं एक वेब है एक काशिफ है मगर मैंने वेब का अकाउंट बनाया और देखें ये वेब का अकाउंट बनाने के बाद उससे ये परमिशन दे दी मगर नॉर्मली आप ये चीज ट्रबल शूट करेंगे कि यार ये अकाउंट रूट से क्यों नहीं लॉगिन होने दे रहा गो डैडी मुझे रूट से लॉगिन इन नहीं होने दे रहा था मगर दिस अ लेनेक्स्ट थिंग तो अभी हम उसको वक्ती तौर पे साइड पे रखते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये फोल्डर परमिशन हो जाती है सी एच मोड और उसके बाद ना ये परमिशन आउ मैंने ये बींग ऑन सेफ साइड क्या किया है सेवन डबल फाइव कर दिया सेवन डबल फाइव का मतलब है कि जिस तरह आप उसको रिफ्रेश करेंगे सेवन डबल फाइव तो ये देखें कि आपकी ये जो परमिशंस हैं दे आर ओनली वेब को है अगर वेब के अकाउंट से आप लॉग इन हैं ना तो आप अब यूज़र अकाउंट कैसे बनाना है वी आर नॉट टीचिंग यू हेयर वेब के अकाउंट से लॉग इन होंगे तो वेब के अकाउंट को सिर्फ ऑनरशिप है इस फोल्डर के ऊपर इसके अलावा किसी को नहीं है अच्छा अब क्या हुआ अब हमने जो सी है अल्लाह भला करे फायरफॉक्स पे जाना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारा जो वेबसाइट का आईपी एड्रेस है ये जो मेरा वेबसाइट का आईपी एड्रेस है इस पर जाके देखते हैं ठीक है तो अगर मैं एक ये ब्राउजर खोलता हूँ और ये यहाँ पे लिखता हूँ वन फोर एट ठीक है डॉट वन सेवेंटी टू टू वन सिक्स ठीक है तो ये देखिए हमारे पास वेबसाइट चल गई है होस्टिंग एंड मैनेजमेंट जी मैनेजमेंट के स्पेलिंग गलत हैं सीरीज़ फॉर उर्दू आई टी अकेडमी ये अभी वेब ब्राउज नहीं हुई हुई ठीक है तो दैट्स अ गुड साइन कि हमारी वेबसाइट रन हो रही है और अगर हम उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव पर जाएंगे तो क्या होगा ये उर्दू उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव पर जाएंगे तो ये हमारी लाइव की वेबसाइट है और ये हमारी आई पी एड्रेस वेबसाइट है जो हमारे वी पी एस पड़ी हुई है ठीक है अगर इस वेबसाइट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ इसको एडिट करते हैं और इसको कहते हैं क्या कहें हम इसको हम इसको कह देते हैं उर्दू आई टी अकेडमी और इसको मैं आ, एक लाइन और ऐड कर देता हूं एट वीपीएस ठीक है वीपीसी नहीं कहना कंट्रोल एस किया जिसने मैंने इसे कंट्रोल एस किया कनेक्टिंग अपलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट ठीक है इसको मैं दोबारा हिट करूंगा तो ये चेंज नहीं करेगा कंट्रोल एफ फाइव करना है ठीक है ताकि होस्ट वाला होस्टेड एड वीपीएस ताकि वो सर्विसेज को दोबारा जाके वेरीफाई करे और लोड करे पेज को कंट्रोल एफ 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बटन जो आपको याद होना चाहिए ठीक है अच्छा इसके अंदर ना दो चार चीजें जो मैं आपको यहां पे बताता चलूं वो ये हैं कि अच्छा एक परमिशन बता दी एचटीएमएल के फोल्डर wwwhtml के फोल्डर के अंदर आपने ये अपलोड करना है और ये सीएसएस इमेजेस वगैरह जो भी सारा कुछ है अच्छा अब हमने एक सेकेंड मुझे ये इतना बक कर रहा है मैनेजमेंट के स्पेलिंग एम ए एन ए जी ई एम ई एन टी मैनेजमेंट सीरीज ठीक है तो ये हमें पता चलेगा चाहे मैनेजमेंट सीरीज के स्पेलिंग ठीक हुए तो ये हमारे वीपीएस पे होस्ट हुई है ठीक है कंप्लीटेड होगी है इसको जरा एक दफ़ा कंट्रोल एफ फाइव करते हैं मैनेजमेंट के स्पेलिंग भी ठीक हो गए ठीक ओके अच्छा अब अच्छा दो चार चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों को आ, आ, नहीं पता होगा ठीक है? Uh, है? Uh, है यह एच टी डी का स्टेटस है कि जो सर्विस आपके पास चल रही है वो रनिंग uh, है ठीक है अगर आपने इसको स्टार्ट कराना है या रीस्टार्ट कराना है तो यहाँ पे रीस्टार्ट, uh, रीस्टार्ट, ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ सर्विसेज जो सी हैं वो um, uh, कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको उसे रीस्टार्ट कराना पड़ेगा ठीक है लाइक थ्री सेकेंड अगो ये सर्विसेज रीस्टार्ट हुई है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मेरे ख्याल में सर्विस uh, स्टेटस uh, की भी कमांड uh, है मेरे ख्याल में सर्विस एस टी टी पी डी स्टेटस सर्विस एस टीपी डी स्टेटस भी आपको यही आउटपुट देती है अच्छा, एक कमांड मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, ये मैंने भी चला के नहीं देखी. के इसके अंदर जब आप करते हैं, तो रन करती है और एक्टिवली रनिंग है ठीक है? आपकी, आपकी हो है आपके अपाची के अंदर वो आपको दिखा रही होती है अच्छा स्टेइंग ऑन ऑन दिस टॉपिक वापस इस टॉपिक की तरफ आते हैं अब हमने अपना उर्दू आई टी को यहाँ से हटा के हमने यहाँ लेकर आना है ठीक है तो उसको लाने का तरीकेकार क्या है कि हम वापस अपने उर्दू आई टी सर्वर में जाएंगे ठीक है बैक एंड पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे और प्रोडक्ट्स के अंदर हमने कहाँ जाना है डी एन एस होस्टिंग ठीक है उर्दू आई टी अकेडमी मैनेज ये डी एन एस है उर्दू आई टी एकेडमी डॉट लाइव और इसके डी एन एस सर्वर के अंदर जाके हमने क्या करना है हमने जनाबे वाला उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम जो हमारा ए रैकेट है उसको पॉइंट आउट करना है बल्कि हम एडमिन मेल बुक एडमिन को वहीं रहने देते हैं ठीक है, है ताकि वो पुराने वाले पे चलता रहे और इसको मॉडिफाई क्या करना है हमने आ, वो वाले आई पी एड्रेस की तरफ जो हमारे सर्वर का आई पी एड्रेस है वो सर्वर का आई पी एड्रेस क्या है आ, मैं बीच में चीटिंग कर रहा हूँ डी एन एस प्रोपिगेशन की वेबसाइट भी आ, आ, लोड कर रहा हूँ ठीक है डी एन प्रोपिगेशन अभी मेरी ये है सही है तो मैं अभी यहाँ पे डी एन एस मैनेजमेंट में ये आई पी एड्रेस डालूंगा जो मेरे सर्वर का है और मेरे सर्वर का आई पी एड्रेस क्या है वन फोर्टी एट वाला ठीक है मैं जो जरा कॉपी कर लेने दें वो आई पी एड्रेस ठीक है ये मैंने कॉपी कर दिया और इसको अच्छा एक एक और टेक्निक एक और टेक्निक जो मेरे जहन में अभी नहीं रही ठीक है कि जब ये चेंज करने लगते हैं तो इसका इसका टाइम जो है सिक्सटी सेकेंड कर दें ठीक है सिक्सटी सेकेंड से ये फ़ायदा होता है कि आप जो सा है सर्वर को आपका डी एन एस जो सा है वो जितने डी एन एस पे आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है ना वो आ, उसको मोर फ्रीकुंटली क्यूरी करता है मगर अभी अभी फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट के अपने डी एन एस के जो टी टी एल है उसको नीचे ले आए ठीक है जब आप अपने टी को नीचे ले आते हैं ना तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो डी एन प्रोपिगेशन है बहुत जल्दी होती है ठीक है क्योंकि अभी आपने लास्ट टाइम कहा हुआ है कि ये रैकेड एंट्री आपके पास पड़ी आप चार दिन के लिए अपने पास रखो तो दुनिया में किसी डी सर्वर को जरूरत ही नहीं है उसको रिन्यू करने की तो वो फिर प्रोपिगेशन बहुत बहुत डिले होती है अब मुझे नहीं पता ये टेन वन जीरो एट डबल जीरो सेकेंड्स कितने होते हैं ठीक है अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डाल के डिवाइडेड बाय सिक्सटी करूं तो एक सौ अस्सी मिनट डिवाइडेड बाय सिक्सटी या तीन घंटे में प्रोपिगेट होगी एक सेकंड इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं एक सेकंड होल्ड करें जरा मैं पॉज करें मैं ज़रा देखूं ये कितना एक्सेप्टेबल काउंटर है ठीक है यानी इसको अगर मैं वन एटी सेकेंड्स करूँ ठीक है फोर हंड्रेड सेकेंड्स करूँ तो मुझे सेव करने दे रहा है नहीं करने दे रहा अच्छा जी एटीन हंड्रेड सेकेंड से नीचे नहीं मुझे ला लाने दे रहा तो एटीन हंड्रेड सेकेंड कर देते हैं ताकि ये एटीन हंड्रेड सेकेंड प्रोपिगेट हो जाए हाफ एन आवर है ये भी विच इज़ लाइक Very, very bad. 60 है कि हमने, IP address आ जा। हमने, अब अपना डी एन एस सर्वर का आई पी एड्रेस अपडेट कर देना है ठीक है और इसको अपडेट कर दिया है कि अब उर्दू आई टी अकेडमी पे जाने के उर्दू आई टीमी डॉट लाइव पर जाने के लिए आपको ये उर्दू आई टेडमी डॉट लाइव ही है ना भाई उर्दू आकेडमी डॉट लाइव पे जाने के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा ठीक है अगर ये देखें ये याद रखिए कि ये वीपीएस पे ये शेयर्ड होस्टिंग पे है और ये हमारे वीपीएस पे होस्टेड एट वीपीएस ठीक है आई विश आई कैन आई कैन प्ले अराउंड ठीक है ये उर्दू आईटी एकेडमी अभी तक यहीं पे पॉइंटेड है और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये वीपीएस पे ही पड़ी हुई है मगर हमने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया अह ये एड ए रिकॉर्ड है अच्छा तो अब हम क्या करते हैं अब हम ये करते हैं कि डी एन एस रेकर्ड तो अपडेट हुआ हुआ है इसको ज़रा यहाँ पर प्रोपिगेशन करके देखते हैं कि सर्च करके देखें कि क्या हुआ ठीक है वन फोटी एट ये फ्लोरिडा के सर्वर के पास अपडेट आ गई है ठीक है अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा और ये प्रोपिगेशन हो जाएगी मैं वीडियो मेरे ख्याल में इधर पास कर लेता हूँ पंद्रह बीस मिनट के लिए लेट्स सी हाउ क्विकली दे प्रोपिगेट ठीक है क्योंकि कुछ सर्वर्स का जो सा टाइमर ऑलरेडी हाफ एन आवर पर पहुँचा हुआ है या जितना भी पहले था इतना लंबा टाइमर था जिसकी हद हाँ नहीं और Uh, मेरे ख्याल में वी नीड टू वी नीड टू वेट फॉर इट ओके तो अभी हमारा ये जो ए रैकेट है एट द रेट वाला ये सीधा उर्दू आई टी की वेबसाइट पर लेके जाएगा हमें ठीक है एक सेकेंड वन फोर्टी ये दो सेकंड के लिए सिर्फ आप लोगों को प्रोपिकेशन दिखा रहा हूं अभी दो मिनट हुए हैं और रफली और आप देख रहे हैं कि प्रोपिगेशन काफी हद तक कंप्लीट हो रही है 148 की एंट्री काफी जगह जा रही है अगर मैं यहां पे उर्दू आईटी टी अकेडमी को F5 फाइव करूं कंट्रोल F5 करके ताकि डी एन रिफ्रेश हो जाए तो नहीं हुआ अभी तक ठीक है विल स्टिल वेट फॉर इट ठीक है कंट्रोल F5 फाइव सो ले पॉज द रिकॉर्डिंग अगेन अच्छा जी दोबारा प्रोपिगेशन चेक करने की कोशिश करते हैं अभी लग रहा है कि काफी सारे सर्वर्स के पास चली गई है और एक काम और मैं ये करता हूं सीएमडी में जाता हूं और मैं ये यहाँ पे आई टी कॉन्फिक फॉरवर्ड स्लेश कॉन्फिक कॉन्फिक फॉरवर्ड स्लैश फ्लश फ्लश डी एन एस करता हूँ ठीक है डी एन एस कर लिया और एन एस लूकप एन एस लूकप लिनिक्स विंडोज़ की कमांड है जो आपके डी एन एस सर्वर पर जाके क्या करती है उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉमनी डॉट लाइव और ये रिजोल्व करके लेकर आइए ठीक है थीके? ये हमारा नेम यही होना चाहिए क्योंकि यही हमारा आई पी एड्रेस है लेट्स लेट्स ट्राई टू टू डू इट कंट्रोल ए यस ओके वेलकम वेबसाइट होस्टिंग एंड मैनेजमेंट के स्पेलिंग होस्टेड एट वीपीएस एंड लर्न इन लेसन सिक्स ओके ये मैंने आपके पीछे जो सा है एक एक लाइन ऐड कर दी तो दीज आर द सम की थिंग्स दैट यू नीड टू डू मेरे ख्याल में यहां पर हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है उस को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को दो चार चीज़ें और क्विकली दिखाना चाहता हूं कि ये लॉक्स जोन सी एना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और ये सारी के सारी लॉक्स रूट से हैं परमिशन मिली भी तो आपको रूट से लॉग होना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली ये गुड एडी में शायद कोई मसला है या क्या इशू है मुझे रूट से वो लॉग नहीं करने दे रहा ठीक है तो आप ये सारी परमिशन दे सकती हैं मगर देख सकते हैं ठीक है और अगर आपको अगर ये मसला आ भी जाता है तो इस इज गुड थिंग के जो प्रॉपर लिनिक्स एडमिन है दे डोंट लाइक टू यूज विन एस सी पी है तो हमारे जैसे हैं तो आपको ये सारी लॉक्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं या वार में पड़ी हुई हैं तो अगर मैं सी डी स्पेस वार करूँ और एल एस करूँ और सी डी स्पेस लॉग लॉक होगा यहाँ पे सी डी स्पेस लॉग और लॉक करूँ तो ये मेरे पास लॉग्स आ गई और लॉग के अंदर से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यम डॉट लॉग देखना चाह रहा हूँ ठीक है तो टी ए आई एल एफ थे और क्या करूँगा यम डॉट म डॉट लॉग ठीक है आई थिंक इफ है ये आखिर बूटी नहीं मारी मैंने इस बार ये टेलिफ ठीक है आई एफ नहीं है टी ए आई एल एफ यम डॉट लॉग ये यम की लॉग्स आ रही हैं कि ये जो मैंने रिसेंट लॉग्स की थी अगर मैं यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉग है इस कॉल्ड सिक्योर ठीक है सिक्योरिटी ऑट लॉग ये सिक्योरिटी लॉग्स हैं कि मैंने रूट से लॉग होने की कोशिश की थी ये तो मुझे लग रहा है कोई नॉन स्टॉप लॉग करने की कोशिश भी कर रहा है ठीक है ये वन वन टू डॉट एटी फोर ये देखो ये ये मुझे लॉग करने की कोशिश कर रहा है ठीक है ये कॉन्टीन्यूस नॉन स्टॉप सॉर्ट ऑफ अटैक्स हो रहे हैं विच यू कैन लुक एट अच्छा इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट लॉक कौन सी है वो आपके पास आ जाती है अल्लाह भला करे किधर भाई एच टी टी पी डी स्पेस Uh, HTTPD टी टी पी डी ठीक है एल एस और इसमें आती है एक्सेस लॉग ठीक है tail एक्सेस हाइफन लॉग और ये आपकी एक्सेस लॉग है जो आपका कोई भी बंदा जो सा है उसको आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है कंट्रोल सी करके आप इसे बाहर आ सकते हैं ठीक है ये तमाम चीजें जोसी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ट्यू नो अबाउट दम मगर आपका वेब फोल्डर यहां पे ये यहां पर पड़ा हुआ है ठीक है ये समोल्डर हैं जिनका आपको पता होना चाहिए और ई टी सी के अंदर अगर आप एच टी टी पी डी के अंदर जाए तो एच के अंदर एच टी टी और कॉन्फिक डी ये दो फोल्डर्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपकी काफी सारी परमिशन पड़ी हुई हैं या परमिशन कन्फिगर हुई होती हैं एच टी टी और इसके अंदर जौन सा है आपने सर्वर रूट डिजिटल सर्टिफिकेट आपने कौन कौन सी पोर्ट से लिसन करना और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको अक्सर करनी पड़ती है लाइक like अगर आपने इसमें एक फोल्डर या कोई डायरेक्ट्री बनाई हुई है जिसको आपने कंट्रोल करना है एक्सेस तो ये यहीं से हो रही होती है आपकी ये तमाम एक्सेस सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूब मुझे इसके प्रॉपर्टीज रूट है सिक्स फोर्टी फोर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर आई वुगली वेबसाइट बन गई है, है और हमारा जो डी एन एस रेक है वो पॉइंट कर रहा है अब आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे काशी भाई अगर मैं एडमिन डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव पर जाऊं तो क्या होगा तो मैं जरा यह पेज खोल कर दिखा दूरा आपको एडमिन डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव ठीक है तो ये कहाँ पे पॉइंट करेगा ये पॉइंट कर रहा है वापस आपकी शेयर्ड होस्टिंग की तरफ याद है हमारे पास एक शेयर्ड होस्टिंग की वेबसाइट थी जहाँ से मुझे ये सी पैनल पे लेके जाता था और ये मेरा सी पैनल का यूजर नेम था और इसका पासवर्ड क्या था भाई इसका पासवर्ड एक सेकंड निकाल देते हैं ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए सी पैनल अभी तक आपका चल रहा है वहां पर अगर मैं अपनी वेबसाइट का कोई कंपोनेंट होस्ट करना चाहूँ तो वो होस्ट हो सकता है ठीक है उसमें कोई कबाहत नहीं है यानी आप चाहे आधी वेबसाइट यहां होस्ट कर लें आधी वेबसाइट यहां होस्ट कर लें अच्छा अब यहां तक पहुंचने के बाद हमारे पास एक मसला आ जाता है ठीक है रैप अप मैंने नहीं करना ठीक है यहां पर पहुंचने तक हमारे पास एक मसला आ जाता है कि कोई भी बंदा अगर मेरी वेबसाइट को डॉस अटैक करे ठीक है आप लोग सारे करें डॉस मेरी वेबसाइट को ये मेरी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है वन फोर्टी एट सेवेंटी टू टू वन टू वन फोर सिक्स ट्राई टू डॉस अटैक इट एंड ट्राई टू टेक दिस वेबसाइट डाउन ठीक है क्या आप इसको बहुत सारा पिंग करके देखें आपके पास बहुत सारे टूल है मैं आपको नहीं बता रहा और उसकी वजह से क्या होगा वेबसाइट स्लो हो जाएगी और उसमें क्या मसला है पिंग उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव ठीक है और आपको पता चल रहा है ये मेरा सर्वर है और अगर आपके पास एक टूल हो एन मैप ठीक है और अगर आप उसके जरिए मेरी वेबसाइट को अगर आप स्कैन करना भी चाहें ठीक है तो ये तो एन मैप थोड़ा गरीब सा है लिनक्स वालों के पास अच्छा है और इंटेंस स्कैन मैं करना चाहता हूं और मैं इसको कहता हूं ये स्कैन करें मेरी वेबसाइट को तो ये जाके ये वेबसाइट को स्कैन करेगा मुझे नहीं पता गोड एडी ने किस लेवल की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो ये मुझे बता रहा है आपके पास देखो चार पोटें उसको नजर आ गई हैं और एट ट्वेंटी टू की पोर्ट नजर आ रही है ठीक है नॉर्मली आपको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आपका एस एस पे नहीं चलना चाहिए फोर टू फाइव सिक्स पे चलाओ या कहीं और चलाओ और उसके ऊपर फिर फायर लगा के एस को ब्लॉक भी कर सकते हो आपके आपके सिर्फ घर के आई एड्रेस से या आपके स्पेसिफिक आई एड्रेस से ही वो एक्सेस हो सके ठीक है अब आपकी पोर्ट ट्वेंटी ऑलरेडी ओपन है पोर्ट एटी आई कैन अंडरस्टैंड ओपन होनी चाहिए और कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन दे 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 है कि आपके पास ये दो स्पेसिफिक और यह सारी ड्रामेबाजी अब हमने ये कोशिश करनी है कि किसी को मेरे आईपी एड्रेस का ना पता चले लाइक like अगर कोई यहां पे पिंक करके उर्दू एकेडमी डॉट कॉम करने की कोशिश करता है तो क्या उसको पता चलता है उसको नहीं पता चलता ये क्या मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है बिल्कुल सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं है ठीक है ये मेरे ये लो इंटेंस स्कैन करके देख लो ठीक है जब आप इसको इंटेंस स्कैन करते हो तो आपके पास एक डिफरेंट किस्म की आउटपुट आती है उसमें चार पोटें नज़र आ रही हैं फोर फोर थ्री एटी एटी भी नज़र आ रही है ए डबल फोर थ्री भी नज़र आ, आ रही है मगर अगर मैं इस आईपी एड्रेस को ब्राउज करने की कोशिश करता हूं तो देखते हैं क्या बनता है क्या आप मेरे इस आईपी एड्रेस को ब्राउज कर सकते हो क्या ये मेरे उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम का आईपी एड्रेस है ठीक है तो ये आपके क्लाउड फ्लेयर का आईपी एड्रेस है अब आपको यहां पता चल गया कि मैंने अपने अपनी डिवाइस के आगे एक सिक्योरिटी लगाई हुई है अपने सर्वर के आगे राइट नाउ उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव इज नॉट सिक्योर मेरे नजदीक उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव इज नॉट सिक्योर उसकी वजह यह है कि यह स्पेसिफिक जो डिवाइस है इज अंडर अ क्लियर ट्रैफिक राउट ठीक है तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है थ्रू अ क्लाउड फ्लेयर जिस तरह इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है आपको नजर आ रहा है मैंने अपाची सिक्स इंस्टॉल किया हुआ है आपको मिलनी है सेंट आपको मिलनी आपने मुझे अटैक करना और मुझे कब्जे में कर लेना है ठीक है तो और दूसरी बात यह कि आप थोड़ा सा डॉस करके मेरी वेबसाइट को बिठा सकते हो उर्दू आई टेडमी डॉट लॉ आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू ट्राई टू डू इट उसके बदले में आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देता है गो डैडी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं मगर ट्राई टू डू डॉस अटैक दिस आईपी एड्रेस अगर आप करोगे तो आपके साथ रिजल्ट क्या वन वाले को करना ठीक है, है? है तो अब हमने अगले लेक्चर में ये पढ़ना डीएनएस ले जाएंगे पे। तो अगले में मुलाकात होगी इनशाला खुश थोड़ा लंबा लेक्चर बन गया दो में याद रखिएगा अल्लाह